इस वीडियो में हम फाइंड करने वाले हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर माइनस टी कोस थ्री टी प्लस बाई यू टी का। तो इससे पहले मैंने एक प्रॉपर्टी जो पढ़ाई थी मॉडुलेशन, वहां पे मैंने साइन ओमेगा डॉट टी एफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल के दिखाया था। ठीक है, मैंने कहा था ये फॉर्मूला और कोस ओमेगा डॉट टी एफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म मैंने निकालने के लिए दिया था। एक बार मैं वो दोबारा से दिखा देता हूँ प्रॉपर्टी एक सेकेंड में। तो यहाँ पे देखो, ये मैंने साइन ओमेगा नॉट टी एफ टी का निकाल के दिखाया था, और मैंने क्या कर देखो पूरा प्रूफ दिखाया था मैंने। मैंने कहा था ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो साइन ओमेगा नॉट टी एफ टी का तो मैंने निकाल के दिखाया था, जे पॉइंट टू एफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट माइनस एफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट टी होता है, इसका मैंने होमवर्क दिया था। फिलहाल इसका जो होता है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, इसका जो होता है वो कितना होता है, वन अपॉइंट टू एफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट प्लस एफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। ठीक है, देखो थोड़ा सा उसमें जे होता है, इसमें माइनस होता है बीच में, बाकी का सेम है। ठीक है, बस उसमें साइन में तो वैसे जे आता है और बीच में माइनस आता है, तो कोस में तो प्लस ही रहता है बीच में, और यहाँ पे जे नहीं आता, तो एक तरह से ये लगभग। ठीक है, अब देखो इसी फॉर्मूले का कोस ओमेगा नॉट टी एफ टी वाले का हम यूज करेंगे उस वाले क्वेश्चन का फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए। चलिए चलते हैं वहां पे, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। लेकिन हमेशा इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो ना, तो सबसे पहले ध्यान देना यूटी के ऊपर। किस पे ध्यान देना? यूटी के ऊपर। अगर ये यूटी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर यूटी के अलावा जैसे यूटी प्लस वन है, यूटी प्लस टू है, तो उसके हिसाब से फिर काम करते हैं। मतलब सारे जो टर्म होंगे उसमें टी प्लस, अगर टू है तो यूटी प्लस टू है तो टी प्लस टू ही बनाएंगे, फिर उसके हिसाब से काम करेंगे। फिलहाल यहाँ तो यूटी है, अच्छी बात है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे उस टाइप के क्वेश्चन भी। फिलहाल इसको सोल्व करते हैं। कोस थ्री टी प्लस पाई कितना हो जाएगा मुझे बताओ कोई। सबसे पहले इस टर्म को मैं सोल्व कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा ये तो सोल्व हो जाएगा। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला कितना होता है बताओ मुझे। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक, ये होता है। तो इसे मैं पहले कोस थ्री टी प्लस पाई को सोल्व कर लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, कोस थ्री टी प्लस पाई, ए की जगह थ्री टी और बी की जगह पाई, तो ये हो जाएगा कोस ए की जगह थ्री टी, बी की जगह पाई माइनस साइन थ्री टी साइन पाई। ठीक है, साइन पाई तो होता है जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो हमें कोस थ्री टी प्लस पाई कितना मिल जाएगा, कोस पाई कितना होता है माइनस वन, तो मैं माइनस वन यहाँ पर लिख लेता हूँ, कोस थ्री टी बचेगा केवल ये। ठीक है, साइन पाई तो होता है जीरो, तो ये तो हो जाएगा पूरा टर्म जीरो। तो कोस थ्री टी प्लस पाई कितना होता है, माइनस कोस थ्री टी। ठीक है, तो मेरा एफ टी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एफ टी जो हो जाएगा मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस है तो मैं माइनस को बाहर लिख लेता हूँ, ई की पावर माइनस टी कोस थ्री टी यू ऑफ टी। ठीक है, तो मैं इसे और अच्छा देखने के लिए ऐसे लिख लेता हूँ, कोस को बाहर निकाल लेता हूँ, कोस थ्री टी ई की पावर माइनस टी यूटी ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, अब हमें इसका फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, देखो इसमें क्या करता हूं मैं, मुझे ये मेरा हो जाएगा एफ टी। ठीक है, वहां पे जो माना था इस तरह से, पहले मैं इसका निकालूंगा, फिर कोस थ्री टी से निकालते हैं फॉर्मूले से उसका यूज करूंगा। इसको ऊपर कर देता हूं मैं थोड़ा। ठीक है, तो हमें पता है ई की पावर माइनस टी यूटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, कितना होता है, फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, ई की पावर माइनस ए टी यूटी का जो फॉर्मूला होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म का कितना होता है, वन अपॉन ए प्लस जे ओमेगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी रही होगी, माइनस वन, इसे माइनस वन इंटू टी लिख सकता हूँ ना मैं, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, वन अपॉन वन प्लस जे ओमेगा। ठीक है, ए की जगह कितना, वन। ठीक है, इससे कंपेयर कर लो, ए की जगह कितना, वन। तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ई की पावर माइनस थी कोस टी का आ गया।
और ये माइनस है, तो बाय लिनियरिटी प्रॉपर्टी पहले इसका फाइंड कर लेते हैं। तो जब ये माइनस इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो उधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस वन अपॉन वन प्लस जे ओमेगा। ठीक है, अब देखो कोस थ्री टी से मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं एक बार फिर से प्रॉपर्टी को रिवाइज करा देता हूँ। वहां पे फंक्शन एफ टी था, तो यहाँ पे एफ टी ऑलरेडी क्यों ना, तो एक्स टी ले लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, अगर एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा है, ठीक है, अगर उसमें मैं कोस ओमेगा नॉट टी की मल्टीप्लाई कर दूं फंक्शन में, तो क्या फोरियर ट्रांसफॉर्म पे क्या फर्क आता, यह आ जाता वन अपॉन टू एक्स ओमेगा नॉट प्लस एक्स ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। ठीक है, ये आता है इसका आंसर। तो यहाँ पे देखो हम भी क्या कर रहे हैं, कोस ओमेगा नॉट से ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे ओमेगा नॉट टी से, तो बस यहाँ पे ध्यान से देख लो ओमेगा नॉट की जगह कितना हो जाएगा थ्री। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मेरा हो जाएगा एक्स टी, ये क्या मेरा एक्स टी, और ये क्या मेरा एक्स ऑफ ओमेगा। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करता हूँ कोस थ्री टी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कोस किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं थ्री टी से, किसमें जो एक्स टी था, कितना था माइनस ई की पावर माइनस टी यू टी में। अब ध्यान से देखना तो फॉर्मूले के हिसाब से करना है बिल्कुल, तो कितना आता है भाई साहब वन अपॉइंट टू बाहर। ठीक है, ये क्या है मेरा ओमेगा नोट की वैल्यू, यहाँ पे कितनी है ओमेगा नोट की, ये कितनी है ओमेगा नोट की वैल्यू है ये तीन। ठीक है, तो आप फॉर्मूले का यूज करते हैं एकदम बस, तो ये होता है वन अपॉइंट टू एक्स ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, तो ये एक्स ओमेगा, तो ओमेगा को किससे रिप्लेस कर देना ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट से, जहां जहां पे ओमेगा लिखा है वहां पे क्या लिखूंगा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है तीन। ठीक है, तो माइनस वन अपॉन कितना हो जाएगा ये वन प्लस जे ओमेगा की जगह कितना तीन, तो ओमेगा प्लस तीन आ जाएगा। ठीक है, प्लस अगली बार क्या करना, प्लस हो गया ये ओमेगा को किससे रिप्लेस कर देना माइनस ओमेगा से, यानी ओमेगा माइनस तीन से, माइनस वन अपॉन वन प्लस जे ओमेगा माइनस तीन। ठीक है, मैं इतना लिख सकता हूँ इसको, अब देखो बस बन गया, इसको सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं। ठीक है, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ बिल्कुल, बहुत ही ध्यान से सोल्व करेंगे इसको, कितना आ जाएगा इसको, तब मैं ऐसे लिख लेता हूँ आराम से कोस थ्री टी ई की पावर माइनस टी यू टी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो कि मुझे सॉल्व करना कितना आएगा, पहले नीचे देखो डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं, मैं क्या करता हूँ ये माइनस वन है ऊपर से कॉमन ही ले लूँ, ठीक है अच्छा रहेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा वन अपॉन जे की मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये हो जाएगा जे ओमेगा प्लस जे थ्री, जे ओमेगा प्लस जे थ्री। ठीक है, प्लस वन अपॉन वन प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो जे एम हो गया माइनस जे थ्री, राइट। अब क्या करता है एलसीएम लेते हैं, बहुत ही देखो स्मार्टली वाला एलसीएम लेना, इसका मैं एक पेयर अगर अलग कर लेता हूँ इस इतने पार्ट को, तो यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, अब मैं इसका लेता हूँ एलसीएम क्या आएगा माइनस कोस थ्री टी ई की पावर माइनस टी यू टी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना आ गया माइनस वन बाई टू, मैं इसका एलसीएम लेता हूँ नीचे, तो दोनों टर्मों के मल्टीप्लाई आएगा केवल वन प्लस जे ओमेगा प्लस जे थ्री, वन प्लस जे ओमेगा माइनस जे थ्री। ठीक है, यहां तक बात आई समझ, अब क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ वन वाले के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, और इस वाले के वन वाले के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि एलसीएम इसी टाइप का है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा वन प्लस जे ओमेगा माइनस जे थ्री, प्लस वन के साथ इसके करेंगे तो सेम ही आ जाएगा वन प्लस जे ओमेगा प्लस जे थ्री, राइट। तो यहाँ पर ऊपर क्या हो जाएगा जे माइनस जे थ्री तो कैंसिल हो जाएंगे,
ठीक है, तो कितना हो जाएगा आंसर, इसको सॉल्व करते जाओ, माइनस कोस 3t ई की पावर माइनस टी, सॉरी ई की पावर माइनस टी यू ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म, ऊपर हो गया 1 + 1 हो गया, पहले -1/2 बाहर लिखता हूँ, 1/1 हो गया 2, और ये जे ओमेगा प्लस जे ओमेगा 2 जे ओमेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिनोमेटर में क्या हो रहा है, डिनोमेटर में क्या हो रहा है, इस वाले पार्ट को 1 + j ओमेगा को मैं ए कहता हूँ, ठीक है, इतने पार्ट को मैंने कह दिया ए, तो ये हो जाएगा ये ए, और जे ओमेगा वाले को कह रहा हूँ मैं बी, तो ये ए प्लस बी, ठीक है, और ये ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, जहां पे ए की जगह हम देखो क्या मान रहे हैं 1 + j ओमेगा प्लस बी की जगह जे ओमेगा, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला बन रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पहले का स्क्वायर यानी 1 + j ओमेगा का स्क्वायर, राइट से लिखना था सॉरी, 1 + j ओमेगा का स्क्वायर माइनस बी की जगह कितना j3, j3 का स्क्वायर, ठीक है, यही होगा ना, तो अब ये कितना आ गया, ऊपर से 2 कॉमन ले लेता हूं मैं, आसान रहेगा, -cos 3t e की पावर माइनस टी यू ऑफ टी, इसका सिंप्लीफाई करना थोड़ा स्मार्टली है, ठीक है, तो 2 कॉमन ले लेता हूं मैं, ऊपर से कितना आ जाएगा 1 2 बाहर आ गया, तो ऊपर बचा 1 + j ओमेगा, कितना आ गया ये 1 + j ओमेगा का स्क्वायर माइनस ये कितना आ जाएगा जे का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, ठीक है, और जे स्क्वायर की जो वैल्यू होती है हमें पता है जे स्क्वायर जो होता है किसके बराबर होता है -1 के, तो इसका ये फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना आ जाएगा, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बचा -1 + j ओमेगा, 1 + j ओमेगा का स्क्वायर -1 × 9, ठीक है, तो ये यहाँ पे माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, तो क्या बचेगा आंसर 1 + j ओमेगा, 1 + j ओमेगा का स्क्वायर +9, ये क्या है इसका फाइनल आंसर, ठीक है, यही हमें क्या करना था निकालना था, ठीक है, यही हमें निकालना था, फोरियर ट्रांसफॉर्म आ चुका है, ठीक है, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते अब, ज्यादा मल्टीप्लाई मत करने लगना, ठीक है, उससे ज्यादा और ज्यादा वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, इसका ये सिंप्लीफाइड आंसर है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, इस वीडियो में इतना ही, ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, इसी तरह के हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, ओके थैंक यू।